दिवाली के दो दिन पहले आने वाला त्योहार धनतेरस को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर ज्यादातर लोग सोना चांदी के सिक्के व गहने खरीदना पसंद करते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पीतल व एल्युमिनियम के बर्तन, झाड़ू, वाहन इत्यादि खरीदना भी शुभ मानते हैं। लेकिन वैसे लोग जो सोना चांदी के गहने व सिक्के खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इस दिन कहीं आप नकली गहने के ठगी का शिकार ना बन जाएं। अगर आप सोने चांदी के गहने इत्यादि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप हमारी कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। नंबर वन, शुद्धता का ख्याल रखें। आपको ये बात तो पता ही होगा कि 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता, लेकिन इससे कोई भी गहने इत्यादि नहीं बनाई जा सकती है। गोल्ड ज्वेलरी 22 या 28 कैरेट के सोने से बनाई जाती है, यानी 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल यानी धातु मिक्स किया जाता है। इसलिए आप ज्वेलरी दुकान से सोने की शुद्धता को जांच कर देने को कहें। नंबर टू, ट्रेडमार्क की जांच करें। गोल्ड ज्वेलरी में हमेशा ट्रेडमार्क होता है, अतः अपने गहने को खरीदने से पहले ट्रेडमार्क की पहचान जरूर कर लें। इससे आपको मैन्युफैक्चरर की पहचान का पता चल सकता है। नंबर थ्री, जेम स्टोन की शुद्धता भी जांचें। अगर आप डायमंड, रूबी या किसी और जेम स्टोन यानी कीमती पत्थर वाले सोने के गहने खरीद रहे हैं तो उनकी शुद्धता भी जरूर जांचें। नंबर फोर, मिक्सिंग के बारे में जानना भी जरूरी। अगर आप व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं तो निकेल या प्लेटिना मिक्स के बजाय मेलेडियम मिक्स ज्वेलरी लेना बेहतर होगा। निकेल या प्लेटिना मिक्स व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से आपको स्किन एलर्जी होने का खतरा ज्यादा रहता है। नंबर फाइव, प्योरिटी सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। आप ज्वेलरी खरीद कर तुरंत घर ना लौटें, बल्कि अपने गहने के साथ साथ उस गोल्ड की कैरेट क्वालिटी का सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें। इससे आपको गहने की कैरेट क्वालिटी क्या है पता चल जाएगा। नंबर सिक्स, गोल्ड का स्पॉट प्राइस की जानकारी। कई बार कंज्यूमर गोल्ड का मार्केट प्राइस जाने बगैर सोने की खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा गलती कभी ना दोहराएं। गोल्ड का स्पॉट प्राइस आप इंटरनेट के जरिए भी पहले पता कर सकते हैं। इससे आपको पैसे की बचत होगी और आपको उस सोने का सही वैल्यू भी मिल जाएगी। नंबर सेवन, गलत जगह से खरीदारी ना करें। अगर आप सोने की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो आपको हमेशा विश्वसनीय दुकानें और ज्वेलरी सेंटर से ही सोना खरीदें। नए कंज्यूमर को दुकानदार धोखा देने से नहीं चूकते हैं, इसलिए आप इस बात का ख्याल जरूर रखें। नंबर एट, कैसे पहचाने हॉलमार्क। जो ज्वेलरी हॉलमार्क होगी उस गहने में 5 तरह के निशान जरूर पाए जाएंगे। नंबर वन, BIS का लोगो। नंबर टू, सोने की शुद्धता बताने वाला नंबर। नंबर थ्री, जांच पड़ताल व हॉलमार्किंग करने वाली एजेंसी का लोगो। नंबर फोर, ज्वेलरी विक्रेता का लोगो। नंबर फाइव, हॉलमार्किंग किए जाने वाले साल। हॉलमार्किंग होने का साल अंग्रेजी अक्षर में होता है। और अंत में आप हॉलमार्क ज्वेलरी का बिल जरूर मांग लें। बिल में आपको गहने व सिक्के की कीमत, वजन के अलावा गोल्ड की शुद्धता भी लिखी होगी। अगर आपको कैरेट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 1 कैरेट गोल्ड 200 मिलीग्राम का होता है, यानी 0.200 ग्राम के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।